मेरा जो निलंबन किया गया है वो निलंबन ही फर्जी है, और राजेंद्र मुलक जी ने इन्होंने दबाव डाल के यह पत्र किसके माध्यम से निकाला ये मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे मेरे हिसाब से तो इस बात की जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी को भी नहीं है। जो व्यक्ति 2 महीने से दवाखाने में बीमारी से जूझ रहा है वह श्री माणिकराव जी जगताप साहब, जिनका 25 तारीख की रात यानी पहट को 3 बजे, 24 तारीख के 12 बजे के बाद 25 तारीख लग गई और उनका 3 बजे निधन हो गया। वो व्यक्ति चेन्नई में उपचार के दरमियान उनका निधन होता है, वे मुंबई में आके मेरे निलंबन के पत्र पर कैसे साइन कर सकते हैं, ये संभव ही नहीं। तो ये फर्जी पत्र राजेंद्र मुलक ने कहाँ से लाया, ये मुलक साहब से इसकी जांच होनी चाहिए, ये मांग मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष साहब इनको करूँगा। और ये जो मेरे साथ दूजा भाव करके जो मुझे निलंबित किया गया है छोटी सी घटना को लेकर, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं कांग्रेस पार्टी में हुई हैं, मगर मेरी साथ हुई इस घटना को इतना महत्व क्यों दिया गया, इस महत्व इसमें व्यक्ति विशेष का स्वार्थ है इसलिए इस घटना को बड़ा बनाया गया। तो ये जो सारी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, मुझे शोकाश नहीं दिया, मेरी बाजू नहीं सुनी गई, मुझे झूठे आरोप में फंसाने का काफ़ी प्रयत्न हुआ, ये सारा इस सारी प्रक्रिया में राजेंद्र मुड़क का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उनको रामटेक से चुनाव लड़ना है, उनकी नज़र रामटेक की सीट पे आज भी है। इन्होंने इनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, ये नागपुर महानगर पालिका लड़े, वार्ड का चुनाव हारे, विधानसभा की उम्मीदवारी दी गई, उमरेठ से इनको 17,000 वोट मिले, इनकी जमानत जब्त हो गई पहली बार। दूसरी बार में सुनीता जी गावंडे जब जिले की अध्यक्ष थी जिला परिषद की, उन्होंने मेहनत करके इनका कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत किया और ये दो सेकंड बार में ये चुनाव जीते। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई, ये MLC में आमदार बने, मंत्री बने, मंत्री बन के इन्होंने पार्टी कितनी बढ़ाई नागपुर के जिले को जनता को मालूम है। उसके बाद इन्होंने पश्चिम नागपुर में तैयारी चालू की, वहाँ इनका विकास भाव ठाकरे साहब हमारे माननीय आमदार उनसे वाद विवाद हुआ, विकास भाव ने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से भगाए। वहाँ से भागने के बाद इन्होंने कामठी का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। दूसरे बार इन्होंने वहाँ कामठी में पैर नहीं रखे। चुनाव लड़ने के बाद जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए झगड़े लड़ाई किए, चुनाव में मेहनत की, दोबारा उनका सुख दुख इन्होंने जाने नहीं, और ये बाद में जिलाध्यक्ष बनने के बाद रामटेक पहुँच गए चुनाव लड़ने। और रामटेक से डटने के बाद ये कभी जिले के दूसरे मतदार संघ में इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं लिए। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कोई प्रोग्राम आया तो तालुका अध्यक्षों के प्रोग्राम में खड़े होकर फोटो खिंचा लिए और वही फोटो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिए। इन्होंने खुद कोई एक्टिविटी जिले में नहीं की। एक जन आक्रोश यात्रा जो की गई थी वो जिला परिषद के चुनाव के पहले माननीय सुनील केदार साहब की संकल्पना से वो प्रोग्राम किया गया था, वो ही एक प्रोग्राम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हुआ, बाकी का आज तक इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किए। 6-7 साल से ये अकेले अध्यक्ष बन के जिला कांग्रेस कमेटी में बैठे हैं। तो इस आदमी का वैयक्तिक स्वार्थ है इसलिए ये मेरा निलंबन किया गया।